जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया के साथ चीन का जो है कुछ दिनों पहले जो छोटा सा जंग हुआ था, उसमें हमारे इंडिया का 27 जो है मारा गया है। उसकी वजह से इंडिया के सारे लोग बहुत गुस्से में हैं। वो बोल रहे हैं सारे चाइनीज़ ऐप को बैन कर दो, इसलिए एक लिस्ट बनाई गई है जो चाइनीज़ ऐप है उनकी लिस्ट बनाई गई है किन किन ऐप को हमें यूज़ नहीं करना। तो वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। मैं अभी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन ऐप को आप लोगों को बिल्कुल नहीं यूज़ करना। अगर आपके फ़ोन में है अभी तो अभी अनइंस्टॉल कीजिए। सबसे नंबर वन पर है टिकटॉक, ठीक है। तो उसके बाद वॉल्ट हाइट, वीगो वीडियो, वीगो लाइव, वीवो, वी चैट, शेयर इट, जो ऐप हम अपने डेली लाइफ के लिए अपने लिए यूज़ करते हैं वो हमें अपने देश के लिए छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर शेयर इट, यूसी न्यूज़, यूसी ब्राउज़र, ब्यूटी प्लस, ठीक है। ब्यूटी प्लस बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, मैं भी यूज़ करता हूँ, लेकिन ये चाइना का एप्लीकेशन है इसलिए हम नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद जेंडर, जेंडर एक ऐसा ऐप है जिसकी मदद से हम लोग दूसरे के फ़ोन से अपने फ़ोन में कोई वीडियो या फिर फोटोज़ या मूवीज़ ले सकते हैं। हाँ, ये काम की ऐप है, लेकिन ये चाइना का है तो इसमें जो है प्राइवेसी लीक होता है, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद क्लब फैक्ट्री, हेलो, लाइक, कवाई, रोमाई, शीन, न्यूज़ डॉग, फोटो वंडर, ठीक है। तो ये सब जो एप्लीकेशन है ये सब हमें नहीं यूज़ करना है। अपूस ब्राउज़र, वीवो वीडियो, परफेक्ट क्रॉप, सी एम ब्राउज़र, वायरस क्लीनर, एम आई कम्युनिटी, डी यू रिकॉर्डर, यू कैम परफेक्ट, एम आई स्टोर, 360 सिक्योरिटी, डी यू बैटरी सेवर, डी यू ब्राउज़र, डी यू क्लीनर, डी यू प्राइवेसी। तो मतलब डी यू का जितना भी ऐप है सब हमें यूज़ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद यूसी मिनी तो ऑलरेडी है, उसके बारे में हमें पल पल में पता है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग जो है ये ऐप यूज़ करते हैं। उसके बाद है क्लीन मास्टर, क्लीन मास्टर को यूज़ किया जाता है कि हमारा फ़ोन का जो स्टोरेज है बढ़ चुका है तो वहाँ पर जो जंग है वो क्लीन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद कैच क्लियर ड्यू ऐप, स्टूडियो, बाय द ट्रांसलेट, व्यू द मैप, वंडर कैमरा, ई एस एक्सप्लोरर, क्यू क्यू इंटरनेशनल, क्यू क्यू लॉन्चर, ठीक है। तो क्यू क्यू सिक्योरिटी सेंटर, क्यू क्यू प्लेयर, क्यू क्यू म्यूजिक, क्यू मेल, क्यू क्यू न्यूज़ फीड, वी स्नैक, सेल्फी सिटी, क्लैश ऑफ किंग्स, मेल मास्टर, एम आई वीडियो कॉल, शामी, पैरेलल स्पेस। तो ये जो ऐप्स है इन ऐप्स को हमें बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना, मतलब बिल्कुल नहीं यूज़ करना। ये सारे एप्लीकेशन चाइनीज़ एप्लीकेशन है, और चाइना तो आप लोग जानते हो कि चाइना हमारे जो डेटा है उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ी कर सकता है। और अभी जो है युद्ध का माहौल थोड़ा बन चुका है, और अगर ये युद्ध हो जाए तो चाइना के पास हमारा सारा डेटा है जो वो लीक कर सकता है या फिर वो गलत काम में लगा सकता है। तो आप जो आप लोगों से हाथ जोड़ कर विनती है ये कि आप लोगों के फ़ोन में अगर कोई भी चाइना का एप्लीकेशन है ना, तो अभी देश के लिए वो छोड़ दो, चाहे वो टिकटॉक क्यों ना हो। और अगर आप लोग टिकटॉक नहीं छोड़ना चाहते तो मैं उसके पीछे आप लोगों को एक ठोस वजह बताता हूँ। तो ये है वो ठोस वजह कि आप लोगों को पता है, जब हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उस ऐप को जब हम इंस्टॉल करते हैं वो हमसे कुछ परमिशन मांगता है। पता है टिकटॉक ने क्या क्या परमिशन मांग के रखा है और आप लोगों ने क्या क्या परमिशन दे कर रखा है। आप लोगों का कैमरा का परमिशन उसके पास है, माइक्रोफोन का है, कॉन्टेक्स्ट का है, लोकेशन का है, मतलब सब कुछ का लोकेशन सब कुछ का जो है आप लोगों ने दे के रखा है उसको। आप चाहो तो मेरा फ़ोन यूज़ कर सकते हो, ऐसे ऐसे विश आप मेरा फ़ोन यूज़ कर सकते हो, और पासवर्ड ऐसा आप सब ने टिकटॉक का जो सारे परमिशन है सब कुछ उसको दे के रखा है, मतलब आपका जो फ़ोन है आपका नहीं है उसका हो गया है, ऐसा है, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि क्या आपको पता है आपका कैमरा, अब जब अपना फ़ोन दिखाता हूँ, आपके फ़ोन का जब लाइट जलता है या फिर लाइट आप ऑफ करते हैं तब भी हम सोचते हैं हमारा कैमरा जो है ऑफ हो गया, लेकिन टिकटॉक ने हमारा जो परमिशन है सब कुछ अलाउ करके दिया है हमें। मैं मतलब टिकटॉक हमने जिस भी फ़ोन में इंस्टॉल करके रखा है उसका कैमरा ऑलवेज ओपन रहता है या फिर ओपन रहता है। तो आप सोचो क्या खतरनाक चीज़ हो सकती है, ये ऑलवेज हमारा जो पिक्चर है वो क्लिक कर सकता है, हमारा जो वीडियो है वो किसी भी हालत में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ क्या देश से बढ़कर कुछ नहीं है। और अगर आप लोगों को लगा आप लोगों की सिक्योरिटी से बढ़कर कुछ नहीं है तो प्लीज़ इन ऐप्स को यूज़ मत कीजिए, इन
52 ऐप्स को अनइंस्टॉल कीजिए। अगर इन 52 ऐप्स में आप लोगों के बस कोई भी एक ऐप्स है ना, तो प्लीज़ इसके लिंक को अनइंस्टॉल कर दीजिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।